बिग बास्केट एक कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर है। सबसे बड़े इन्वेस्टर इसमें जो है वो है अलीबाबा, अलीबाबा ग्रुप जो है। ओके, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आप जब ई कॉमर्स में कम्पीट कर रहे हैं, आप अमेज़ॉन के अगेंस्ट डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हैं, और अमेज़ॉन के पास बहुत कैश है, वो कैश बर्न करने के लिए तैयार है। इतना बर्न करने के लिए तैयार है तब तक जब तक कि बाकी कंपनियां एकदम पूरा बर्नआउट ना हो जाए, और उसके टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। तो बिग बास्केट का क्या फ्यूचर होगा? ये ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी क्या ये सस्टेन कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। ओके, ये जो आप देख रहे हैं जैसे 150 रुपीज़ ऐसे जो डिस्काउंट है, ये सारे के सारे डिस्काउंट जो हैं कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए कंपनी ये सारा अल्टीमेटली बैलेंस शीट में आता है। ओके, और ये सब लॉस में ऐड होता रहता है। अगर आप ज़रा सा भी गूगल सर्च करें कि इंडिया में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो कितना कैश बर्न कर रहे हैं, ओके, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये काफ़ी ये द हिंदू का है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ई कॉमर्स फर्म्स ब्लीड रेड इंक। रेड इंक मतलब बैलेंस शीट में जो नेगेटिव होता है उसको रेड में लिखा जाता है इसलिए। ओके, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट है और अमेज़ॉन है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेक टू नेक कम्पीट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट में भी जो है जैसे सॉफ्ट बैंक ने उसमें बहुत इन्वेस्ट कर दिया। अब अलीबाबा जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है ऑनलाइन ई कॉमर्स की, उसको भी प्रेजेंस चाहिए, तो उन्होंने बिग बास्केट में इन्वेस्ट किया। क्योंकि क्या है कि इंडिया में अभी क्या है, पिछले 10 ईयर से ले लीजिए तो इकोनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है, तो कस्टमर जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ऑनलाइन प्रिफर कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये लॉन्ग टर्म गेम है। ये लोगों को धीरे धीरे हैबिट बनाने के लिए, उनको आदत डालने के लिए कि ऑनलाइन खरीदो, इसलिए अभी कंपनियों को कैश बर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। चाहे कोई भी विनर हो, ऐसा कोई इसमें लूज़र नहीं है। ओके, ये हमेशा सोचना चाहिए कि जब बड़ा मार्केट होता है तो उसमें मल्टीपल प्लेयर्स को खेलने का चांस होता है। लेकिन ई कॉमर्स में प्रॉब्लम क्या है, ये जो सामान का जो कॉस्ट होता है उससे कम में तो सामान बिकना मुश्किल है, लेकिन उसके अलावे डिलीवरी कॉस्ट होता है। ओके, डिलीवरी कॉस्ट कम नहीं होता है, किसी को आपको पे करना है जो कि वहाँ डिलीवर करेगा, ये एक सब्सटैंशियल कॉस्ट है। ओके, और उसमें भी नेक टू नेक कंपटीशन करना है, और ये पूरा कैश को ब्लीड करना है ढेर सारा। ये जो देख रहे हैं 30% 40%, ऐसा नहीं है कि ये 30-40% डिस्काउंट में कंपनियाँ खरीदी होंगी, ज़रूरी नहीं है। उसमें लॉस हो रहा होगा कंपनी को, बहुत ज़्यादा लॉस होता है कंपनियों को ई कॉमर्स में। मोस्ट ऑफ द कंपनी अभी इंडिया में जितने बड़े प्लेयर हैं वो सारे के सारे कैश ब्लीड कर रहे हैं। ओके, तो इस सेक्टर में अगर आप ज़रा सा भी सोच रहे हैं कि मैं इस सेक्टर में स्टार्टअप खोलने के सोच रहा हूँ, तो पहले बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर लें, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी हैं कि वो कैश को बर्न करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि पूरा मार्केट ऑक्यूपाई कर। ओके, अब एक प्रॉब्लम क्या है बिग बास्केट का और फ्लिपकार्ट दोनों का, अमेज़न के से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अमेज़न का ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर स्टैक है, ओके, जो ई कॉमर्स का जो उनका सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है वो इन लोगों से काफ़ी मैच्योर है। ये जो फ्रंट एंड जो ये फैंसी दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, बैक एंड जो होता है, जो सारा जहाँ पे काम होता है, जहाँ इंटेलिजेंस होता है और जो डेटा होता है, अमेज़न कितना डेटा कब से कलेक्ट कर रहा है, वो सब इन लोगों के पास नहीं, ये उनके आसपास भी नहीं है, मतलब बहुत बहुत सालों का डिफरेंस है। ओके, तो किस कस्टमर को क्या चाहिए, किस कस्टमर को कैसे डिस्काउंट देना चाहिए, उसमें मशीन लर्निंग लगा के आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर को क्या डिस्काउंट देंगे तो वो पक्का खरीदेगा, ये सब इनके पास ज़रा भी नहीं है अभी। ओके, तो और अमेज़न के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्वालिटी है वो इनसे इन लोगों से फार बेटर है। ओके, US में अमेज़न का बहुत बड़ा ऑफिस है और वो वहाँ पे इतने हज़ारों इंजीनियर काम कर रहे हैं, इन लोगों के कंपैरिजन में इनसे क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इंजीनियर्स की। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसमें प्रॉब्लम आएगा, और टॉप क्वालिटी का यूज़र एक्सपीरियंस होना मुश्किल होगा इन लोगों के, जैसे बिग बास्केट हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, और इस कारण से वो कहीं पीछे रह सकते हैं।
ये हो गया सॉफ्टवेयर की बात, और फुलफिलमेंट सेंटर के लिए सप्लाई चेन का जो ऑपरेशन होता है उसमें अमेज़न लाइक नंबर वन है। ओके, ई कॉमर्स में जैसे और भी जो सप्लाई चेन होते हैं, जैसे UPS हो गया, FedEx हो गया, ये जो बड़ी बड़ी जो शिपमेंट की कंपनी है उनका सप्लाई चेन बहुत अल्टीमेट होता है। जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, नेस्ले हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ग्लोबल स्केल पे डेकेड से काम कर रहे हैं, उस लेवल का है अमेज़न का सप्लाई चेन। और इनका सप्लाई चेन अभी शुरू ही हो रहा है। ओके, सप्लाई चेन में अगर आप ज़रा सा भी किसी को जानते हो, जैसे आपके कोई फ्रेंड हो या वो बताएंगे कि कितना मुश्किल होता है। ओके, ऑपरेशन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक, तो अगर उसमें ये लोग नहीं कर पाएंगे, ज़रा भी मिस्टेक करेंगे तो इनका लॉस होगा। ओके, ये जो ग्रोसरी बेच रहे हैं, ग्रोसरी मतलब होता है कि फ्रूट्स सब्जियां वगैरह जो बेचते हैं, फ्रूट्स जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है वो बेच रहे हैं, अगर वो नहीं बिका एक दिन वो ख़राब हो जाएगा, उसका फ्रेशनेस चला जाएगा, पूरा का पूरा बैलेंस शीट में वो दिखेगा। ओके, रेड में। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, और मुझे इन लोगों से होप है लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, तो ये था मेरा एनालिसिस ऑनलाइन ई कॉमर्स के जो टॉप प्लेयर्स का। आई होप ये आपको यूज़फुल इंसाइट प्रोवाइड करा होगा आपके अपने वेंचर में। थैंक यू।